देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि टिपिकल एलिमेंट कौन से होते हैं। देखो टी फोर होता है ट्रिपिकल, और टी फोर क्या होता है, थ्री होता है। थ्री यानी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है ब्रिज एलिमेंट कौन से होते हैं। देखो बी फोर क्या होता है, बी फोर होता है बाय। बाय का मतलब क्या होता है, दो यानी सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन से है अपने, ब्रिज एलिमेंट है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव कौन से। देखो सिंपल सी बात है, अपने पास क्या क्या होता है, अपने पास एक एक्स ब्लॉक होता है, अपने पास एक पी ब्लॉक होता है, अपने पास एक डी ब्लॉक होता है, अपने पास एक एफ ब्लॉक होता है। तो एस और पी ब्लॉक के जो हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल देते हैं, और जो डी ब्लॉक होता है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो एफ ब्लॉक होता है उसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो वही बातें यहां पर लिखी गई है, कौन सी रिप्रेजेंटेटिव हो गए एस और पी वाले, ट्रांजिशन हो गए डी वाले, और इनर ट्रांजिशन हो गए अपने एफ ब्लॉक वाले हो गए। नेक्स्ट है लूदर मेयर कर्व किसके किसके बीच में थी, तो एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में अपनी क्या होती है, लूदर मेयर कर्व होती है। नेक्स्ट है एनोमलस पेयर कौन से होते हैं, तो ये चार अपने एनोमलस पेयर हैं, एक दो तीन चार। अब बात आती है इनको याद कैसे करें, तो सिंपल सी ट्रिक है, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं, मतलब आमिर खान जो है वो ठंडा पानी नहीं पीता था, तो हम उसको बोल रहे हैं आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्या, मेटलॉइड्स। देखो ये अपने पीरियोडिक टेबल में ये वाले एलिमेंट जो हैं वो क्या है, मेटलॉइड्स में काउंट होते हैं। नेक्स्ट हम डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। देखो डायगोनल होता क्या है, पहले मतलब समझो, मान लो ये मैंने स्क्वायर बना दिया, तो इसका अगर डायगोनल मुझे ड्रॉ करना हो तो ये होता है डायगोनल, मतलब ऐसे टेढ़ा वाला डंडा, है ना, टेढ़े वाला डंडा होता है डायगोनल। अब देखिए यहां पे बीच में क्या आएंगे, देखो ये अपने क्या है एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है, ये अपने क्या है पी ब्लॉक वाले हैं, और बीच में से डी ब्लॉक वाले इसमें नहीं लिए हमने, उड़ा दिए हैं, ठीक है। अब देखो डायगोनल टेढ़ा डंडा किधर बनेगा, देखो लिथियम का अगर डायगोनल बनाओ तो इधर बनेगा मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का अगर डायगोनल बनाओ तो एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का अगर टेढ़ा डंडा लगाओगे तो सिलिकॉन के साथ बनेगा। तो डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है कि लिथियम और मैग्नीशियम में बहुत सारी क्या पाई जाएंगी, सिमिलैरिटीज पाई जाएंगी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में सिमिलैरिटीज पाई जाएंगी, बोरोन और सिलिकॉन में सिमिलैरिटीज पाई जाएंगी, इसी को बोला जाता है क्या, डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं डोबेर्नियर ट्रायड रूल। देखो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है, ट्रायड मतलब खेल किसका है, तीन का खेल है। अब देखो अपना जो ग्रुप होता है उसमें हम लिखते हैं कैसे, लिथियम है, लिथियम के नीचे कौन आता है अपना, सोडियम आता है, सोडियम के नीचे क्या आता है, पोटेशियम आता है। अब लिथियम का मास हमसे पूछ लिया जाए तो अपने को पता है सात होता है, सोडियम का 23 होता है, और पोटेशियम का 39 होता है। अब ट्रायड रूल में क्या बोला गया है कि आप लिथियम का मास और पोटेशियम का, पहले और तीसरे का मास अगर प्लस कर दोगे तो 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा, और इसको अपॉन 2 कर दोगे तो बीच वाले का मास आ जाएगा। देख लेना आप ये कितना हो गया, 46 होगा, 46 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यही बात यहां पे बताई गई है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब देखो ओक्टा का मतलब क्या होता है, ओक्टा का मतलब होता है 8, ओक्टा का मतलब होता है 8, मतलब यहां पे 8 का कुछ लेना देना है। तो 8 का क्या लेना देना है, इन्होंने क्या बोला कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। कैसे होती है, मान लो पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और ये सातवां, और फिर आठवां एलिमेंट जो आएगा वो यहां पे आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, सेम ग्रुप में हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इनकी प्रॉपर्टी सेम पाई जाएगी। जैसे कि क्या है, लिथियम पोटेशियम और ये सोडियम, ये एक ग्रुप में होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है सेम पाई जाएगी। बट यहां पे कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि जब ये रूल आया था तब तक नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसीलिए इसको बाद में डिसअप्रूव कर दिया गया था, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कॉमन कंपाउंड्स है उनके हम नाम करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला है क्या, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है Na2CO3 और 10H2O। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, NaCl हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है NaOH। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, NaHCO3। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या है, क्विक लाइम भी बोलते हैं, ये CO है ना, कैल्शियम और ऑक्साइड है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है, स्लेक लाइम इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जितने भी नोट्स हैं सारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, www.kveducation.in। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा ना, कैल्शियम OCl, ये अपने दो लिए हैं, ठीक है, ये दो लिए हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O।
नेक्स्ट जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अब यहां पे कंफ्यूजन मत करना, देखो कैल्शियम सल्फेट यहां पे हाफ H2O है और यहां पे 2H2O है। नेक्स्ट है बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 10H2O, हर हाल में आपको पता होना चाहिए। डायबोरेन सबको पता ही होता है B2H6 होती है। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3। नेक्स्ट है वाटर गैस किसको बोलते हैं, एनसीईआरटी में, सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में से ही मैंने लिखे हैं। कार्बन ये गैस CO+H2O बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं, CO+N2 को, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वाटर गैस में CO+H2 है, प्रोड्यूसर में CO+N2 है, ध्यान रखना है। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, CO2, सॉलिड CO2 को। देखो आपके आपके मान लो एग्जाम में आ गया आइस, आप सोचोगे आइस मतलब पानी से वाटर से बनी होगी, तो पर वाटर नहीं है, यहां पे ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड CO2 को बोलते हैं। नेक्स्ट है सिलिका का क्या फॉर्मूला होता है, SiO2। और सिलिकॉन्स क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं सिलिकॉन्स, ठीक है। सिलिकेट्स क्या होते हैं, देखो सिलिकेट्स में ये वाली यूनिट होती है, सिलिकेट्स की मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट जियोलाइट क्या होते हैं, अल्यूमिनो सिलिकेट्स को हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट बोलते हैं। किसको, अल्यूमिनो सिलिकेट, मतलब क्या है, सिलिकेट भी है और एल्यूमिनियम का लेना देना भी है। अब नेक्स्ट देखिए आयंस के कलर्स कैसे याद करें। देखो ये कुछ कॉमन आयन है, ठीक है, ये क्या है, क्रोमियम +3 है, कॉपर +2 है, आयरन +3 है, Mn+2 है, इनके कलर को कैसे याद करें, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। देखो अपनी क्या होती है, क्रॉप होती है, अपनी क्रॉप होती है, क्रॉप यानी खेत, और खेत कैसे होते हैं, ग्रीन यानी हरे भरे, है ना, हरियाली होती है खेतों में, तो क्रॉप के CR से याद आएगा कि CR +3 होता है, अपना ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है क्यूब, नेक्स्ट आपको याद रखना है क्यूब, यानी कॉपर +2 होगा, बी से याद आएगा ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट आपको एक वर्ड याद रखना है फाइबर, आपको याद रखना है फाइबर। अब फाइबर में क्या है, F से अपने को याद आएगा Fe+3 याद आएगा, और Br से अपने को ब्राउन याद आएगा। नेक्स्ट ये आपको कैसे याद हो जाएगा, देखो MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा अपना Mn+2, और ये पिंक कलर का हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसको कैसे याद करें। देखो सबसे पहले क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए दो प्रोसेस होती हैं, कौन सी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड लेड चैम्बर प्रोसेस। देखो ये सारी एनसीईआरटी की हैं, तो अपने को याद होनी चाहिए। तो कैसे याद करें, सल्फ्यूरिक एसिड वाली कैसे याद करें, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है। देखो इससे सल्फ्यूरिक से अपने को याद आना चाहिए सलमान, SUL यानी सलमान। अब जाहिर सी बात है सलमान के कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट यानी जो उसके करीबी लोग हैं, उनको मूवी में क्या मिल जाता है, लीड रोल मिल जाता है। मैंने क्या बोला, सलमान के जो लोग कांटेक्ट में है यानी उसके करीबी लोग हैं, उनको मूवी में लीड रोल मिल जाता है। तो ट्रिक क्या हो गई कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए कांटेक्ट यानी कांटेक्ट प्रोसेस, लीड यानी लेड चैम्बर प्रोसेस का यूज होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड वाली अपनी याद हो गई। नेक्स्ट है अपनी नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए किसका यूज होता है, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है। देखो ओस गिरती है, ठीक है, ओस तो सबको पता है ना, ओस है ना, रात को जो बाहर है ना थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, तो ओस गिरती है, कहाँ गिरती है, अपने घर से बाहर गिरती है। घर के अंदर तो गिरेगी नहीं ओस, घर के बाहर ही गिरेगी। तो ओस गिरती है घर के बाहर, कब गिरती है, नाइट को यानी रात को गिरती है, दिन में तो कोई ओस नहीं गिरती, ठीक है, यही अपनी ट्रिक है। अब देखिए नाइट यानी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और क्या है ओस यानी ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस यानी ओस्टवाल्ड प्रोसेस, बाहर यानी बर्कलैंड आइड प्रोसेस, बाहर यानी बर्कलैंड आइड प्रोसेस, ठीक है, ये अपना हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हेबर प्रोसेस की। तो हेबर प्रोसेस देखो नॉर्मली सबको याद ही रहता है वैसे तो, हेबर प्रोसेस किसके लिए होती है, अमोनिया के लिए होती है, फिर भी ना याद रहे तो याद रखना हारमोनियम, हारमोनियम, हारमोनियम। अब देखो इसमें H से अपने को क्या याद आएगा, हेबर प्रोसेस, और मोनियम से अपने को याद आएगा मोनियम यानी अमोनिया, अपने को याद आ जाएगा। नेक्स्ट सोलवे प्रोसेस की बात करें तो देखो इसमें SO आ रहा है, सोलवे में SO आ रहा है, और सोडियम कार्बोनेट में भी SO आ रहा है, तो सोलवे हो गई सोडियम कार्बोनेट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं डेक्कन प्रोसेस की, तो ये किसके लिए, क्लोरीन यानी Cl2 के लिए यूज होती है। इसको कैसे याद करें, देखो जो डेक्कन एरिया है ना वो अपना साउथ इंडिया का एरिया होता है ना, आप देख लेना चाहे, जो डेक्कन एरिया है वो अपने साउथ इंडिया का एरिया है, और मैं अभी कहां हूं, मैं नॉर्थ इंडिया में हूं, मैं नॉर्थ इंडिया में हूं, तो मैं नॉर्थ इंडिया से डेक्कन एरिया यानी साउथ इंडिया में जब जाऊंगा तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस इतना ज्यादा है, मैं आज तो पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं कब पहुंचूंगा, कल पहुंचूंगा, कल यानी Cl, तो अपने को याद आ जाएगा, अपने को याद आ जाएगा डेक्कन यानी साउथ इंडिया में जाना था, तो आज नहीं पहुंचेंगे, कल तक पहुंच पाएंगे, कल यानी Cl यानी Cl2, तो क्लोरीन को बनाने के लिए डेक्कन प्रोसेस का यूज होता है।
अब देखो नेक्स्ट हम सिलिकेट्स की ट्रिक करने वाले हैं। इनको करने का बहुत ही सिंपल फंडा है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखो सब में हम क्या लिख देंगे, SiO, 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 तो ये तो हमने सब में लिख दिया, क्या एक सिलिकन एक ऑक्सीजन, ये हमने सब में लिख दिया। अब देखिए अब चार्ज पे ध्यान दीजिए, देखो यहां पे है माइनस चार्ज, तो यहां पे नेक्स्ट वाले में क्या करो, चार्ज एक माइनस कर दो, माइनस फोर था यहां पे माइनस थ्री हो जाएगा, फिर वन माइनस कर दो माइनस टू हो जाएगा, फिर माइनस कर दो माइनस वन हो जाएगा, फिर एक घटा दो फिर क्या है अपना जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक एक चार्ज को हम घटाते जा रहे हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहां पे चार ऑक्सीजन है, इसमें से 0.5 घटा दो कितने 3.5 हो जाएंगे, इसमें से 0.5 घटा दो 3 हो जाएगा, इसमें से 0.5 घटा दो 2.5 हो जाएगा, उसमें से 0.5 घटा दो 2 हो जाएगा। यहां पे अपने को रुक जाना है, कहां पे SiO2 पे रुक जाना है, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया, ठीक है, ये फ्लो अपना याद अपने को हो चुका है। अब देखो अब मेन टास्क जो आता है, इसको नाम को कैसे याद करें कि ये वाला ऑर्थो है, ये वाला क्या है पायरो है, ये वाला क्या है साइक्लिक है, ये 2D है और ये 3D है। तो सिंपल सी आपको ट्रिक बताता हूं। देखो जो प्रियंका चोपड़ा है, PC यानी प्रियंका चोपड़ा है, वो हमें पता है वो इंडिया से बाहर चली गई है। वो कहां चली गई है, हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने चली गई है, ठीक है। तो हम प्रियंका चोपड़ा को क्या एडवाइस दे रहे हैं कि ओ प्रियंका चोपड़ा कि अब तू हॉलीवुड में चली गई है तो तू 2D फिल्में मत बनाया कर, 2D है ना, समझ रहे हो ना, हॉलीवुड में तो ज्यादातर 3D फिल्में बनती है। तो हम उसको एडवाइस दे रहे हैं कि अगर तू हॉलीवुड में चली गई है तो 2D फिल्में मत बनाया कर, तू 3D फिल्में बनाया कर। तो ओ प्रियंका चोपड़ा 2D फिल्में छोड़ दे अब 3D फिल्में बनाया कर। तो ट्रिक देखो अब ओ प्रियंका चोपड़ा 2D फिल्में छोड़ दे अब 3D बनाया कर, है ना। ओ यानी ऑर्थो, पी यानी पायरो और सी यानी साइक्लिक, 2D यानी 2D सिलिकेट, 3D यानी 3D सिलिकेट। और ये तो हम कर चुके हैं कि चार्ज को एक एक घटाते हुए चलना है और क्या है इसको ऑक्सीजन के नंबर को 0.5 घटाते हुए चलना है। अब देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। देखो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन का लेना देना है और ऐसी बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, आराम से एक बार में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसा हाइड्रोजन जो किससे कनेक्टेड हो, जो किससे जुड़ा हुआ हो, फोन से जुड़ा हुआ हो, फोन यानी फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, फोन से जुड़ा हुआ हो, वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन बनाने की पावर रखता है किसके साथ, फोन के साथ, किसके साथ, फोन के साथ। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो किससे, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है किसके साथ, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, देखो मान लो HF का मॉलिक्यूल है, ये क्या है HF का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये HF का मॉलिक्यूल है और एक और HF का मॉलिक्यूल है, एक और HF का मॉलिक्यूल है ना, HF HF HF। देखो अब मैंने क्या बोला, ऐसा हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ हो फोन के साथ यानी फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। अब ये वाला इसके साथ बना लेगा तो हम क्या बोल देंगे कि HF में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, कुछ इस तरीके की चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है इंटर मोलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच, एक मॉलिक्यूल ये है एक ये है और इन दोनों के बीच, और एक होती है इंट्रा मोलिक्यूलर, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है इसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, इंट्रा मोलिक्यूलर। अब इंटर मोलिक्यूलर का एग्जाम्पल क्या है, देखो मान लो ये HF का क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया था HF का एक मॉलिक्यूल है, ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये HF का तीसरा मॉलिक्यूल है। अब देखो ये एक दो मॉलिक्यूल के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दो मॉलिक्यूल के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था। ये इंट्रामोलिक्यूलर है, देखो ये एक ही मॉलिक्यूल है और इसी मॉलिक्यूल के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं ट्रिक की, ट्रिक क्या बोलती है, देखो अपने पास जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता है ना वो इससे बाहर नहीं आता है, है ना। मेन कंफ्यूजन क्या होती है आपसे, वो कैसे पूछेंगे, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पूछेंगे, सॉल्युबिलिटी पूछेंगे, सरफेस टेंशन पूछेंगे, विस्कोसिटी पूछेंगे, ठीक है, और किस में पूछेंगे, इंटर में या फिर इंट्रा में। ये है अपनी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो इंटर की वजह से आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए, चाहे ये पूछे भी पूछ लिया जाए, सब कुछ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, बात खत्म,
इंट्रा की बात करें, इंट्रा की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है। इससे अलग कोई भी कंफ्यूजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको परेशान नहीं करेगी। इसमें सब कुछ इंक्रीज है, इसमें क्या है, दो डिक्रीज है, दो क्या है, इंक्रीज है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बैक बॉन्डिंग के बारे में। देखो बैक बॉन्डिंग कंडीशन अपने को पता होना चाहिए कि ऐसी क्या कंडीशन है कि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो सिंपल सा फंडा होता है बैक बॉन्डिंग का। देखो मान लो ये एक एटम है ए और ये दूसरा एटम है बी, ठीक है। अब बी एटम के पास क्या है, लोन पेयर है। बी एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, और ए एटम के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। अब होता क्या है, इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास खाली जगह है। तो क्या होता है, उस खाली जगह में बी के जो लोन पेयर है वो ए की खाली जगह में आ जाएंगे, ठीक है। तो यही होती है अपनी बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि एक एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी कि इन दोनों एटम में से, ए में से या बी में से क्या होना चाहिए, एक एटम को सेकंड पीरियड का होना चाहिए, है ना। और चौथी रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी, देखो इनमें से एक तो सेकंड का होना ही होना चाहिए, और जो दूसरा एटम है वो या सेकंड का होगा या थर्ड का होगा, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि बैक बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, सेकंड के पास लोन पेयर होना चाहिए, और थर्ड क्या है, इन दोनों में से, ए में से या बी में से एक एटम क्या है, सेकंड पीरियड का होना चाहिए। अब एक तो है सेकंड पीरियड का और दूसरे को क्या छूट है कि सेकंड का भी हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है, पर फोर्थ फिफ्थ का वो नहीं हो सकता। तो ये है अपना पूरा बैक बॉन्ड। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट की सिंपल सी ट्रिक है ना। और ये कहाँ पे होता है, पहली बात तो ये कहाँ पे होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट में देखने को मिलता है, पी ब्लॉक में, है ना, एस ब्लॉक में नहीं, डी ब्लॉक में नहीं, कहाँ पे, पी ब्लॉक में देखने को मिलेगा। अब इसकी ट्रिक क्या बोलती है, सिंपल सी, देखो मान लो ये क्या है, एक ग्रुप है, ये ग्रुप है पी ब्लॉक का ही ग्रुप है ना, पी ब्लॉक का ग्रुप है। अब इसकी ट्रिक क्या बोलती है, देखो नीचे वाले जो एलिमेंट है ना, लोअर जो एलिमेंट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे, लोअर एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे, और ऊपर वाले अपर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। नीचे वाले लोअर में और ऊपर वाले क्या है, हाइयर में स्टेबल होंगे। जैसे कि यहां की बात करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो प्लस थ्री हो, एक प्लस वन हो। अब आपसे पूछ लिया जाए मान लो एल्यूमिनियम के बारे में, तो किसमें स्टेबल होगी, तो ये ऊपर वाला है, तो ऊपर वाली हाईर ऑक्सीजन स्टेट यानी प्लस थ्री में स्टेबल होगा। और इसके बारे में पूछ लिया जाए तो ये नीचे वाला है, तो ये नीचे वाली यानी लोअर ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होगा। सेम यहां पे भी वही बात चल रही है ना। और इसका क्या है, इसका क्या है, एग्जांपल जैसे आपसे पूछ लिया जाए, कंक्लूजन पूछ लिया जाए इनर्ट पेयर का, जैसे कि PbCl2 मोर स्टेबल होता है PbCl4 से। देखो PbCl2 में Pb की ऑक्सीजन स्टेट होगी प्लस टू और इसमें होगी क्या, प्लस फोर होगी। अब Pb देख लेते हैं, देखो ये है अपना Pb। अब ये क्या है, नीचे वाला एलिमेंट है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा, तो प्लस फोर हाइयर है, प्लस टू लोअर है, तो इसमें ज्यादा स्टेबल होगा। सेम यही एग्जांपल वो सेम तरीके से ही दिए हुए जो मैंने अभी आपको बताया है। तो सबसे पहला अपना ट्रेंड है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। देखो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ, ए एस यानी एसिडिक स्ट्रेंथ, बी एस यानी बेसिक स्ट्रेंथ, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। ये अपनी मेन ट्रिक है ना, ये वाली अपनी मेन ट्रिक है, ठीक है। क्या है ये, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस बात खत्म है, ठीक है। अब यहां पे इस मेन ट्रिक, ये तो अपनी मेन ट्रिक हो गई, ये होगी अपनी मेन ट्रिक। अब इस मेन ट्रिक के सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है क्या, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स। क्या एक्सेप्शन है, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स, ठीक है। देखो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये ट्रिक अप्लाई करनी है, बट सिर्फ पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स के केस में क्या है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें अपने को बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, यानी सबसे पहले अपने को चेक करनी है कि अपने से एक्सेप्शन तो नहीं पूछ ली गई है ना, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे, गलत तो नहीं कर देंगे। तो एक्सेप्शन क्या है, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स है ना। तो यहां पे तो हाइड्राइड्स दिखाई नहीं दे रहे, ये क्या है, ऑक्साइड है, ये क्या है, ऑक्साइड है, और किसके हैं, एस ब्लॉक के हैं, मतलब एक्सेप्शन अपने से नहीं पूछी गई। तो अपनी मेन वाली ट्रिक इसमें अप्लाई होगी, जो क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो ये अपनी पीरियोडिक टेबल है ना, ये मोटा मोटा सा आइडिया दे देता हूँ, ये अपनी मान लो पीरियोडिक टेबल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को पता है कि ऊपर जाने पे इंक्रीज बढ़ती है और यहाँ इस साइड जाने पे इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक है, ऊपर जाने पे बढ़ती है। अब यहाँ पे देख लो अपने को कौन से दिए हुए हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है ना, मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैल्शियम की क्या होगी, सबसे कम होगी। देखो ऑक्सीजन तो अपने को देखना ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो कॉमन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा है, तो सिंपल तरीके से ऑर्डर बन जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, तो क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ का, पूरी दुनिया में नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले एक्सेप्शन चेक करनी है कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं पूछ लिया ना कहीं, वो हमें फंसाना तो नहीं चाहते है ना, तो देख लो ये हाइड्राइड बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है हाइड्रोक्साइड है, और किसके हैं एस ब्लॉक के ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड है, मतलब क्या है अपनी एक्सेप्शन का क्वेश्चन ये नहीं है, तो अपनी उठा के मेन ट्रिक अप्लाई कर दो। तो मेन ट्रिक क्या बोलती है, इसमें अपने से पूछा है बेसिक स्ट्रेंथ, कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब वही पीरियोडिक टेबल के बेस पे देखो, ये अपना पीरियोडिक टेबल पे बेस पे क्या है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, मतलब लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी और पोटेशियम की इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना, एसिडिक के तो डायरेक्टली है ना, बेसिक के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी और ये ऐसे ऑर्डर बन जाएगा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा यानी बेसिक स्ट्रेंथ कम, एसिडिक का होता तो ऑपोजिट होता ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है इसमें, है ना, HFSCl, HBr, HI, है ना, तो क्या है सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन अपनी इनऑर्गेनिक में आ जाए, सबसे पहले चेक करो कि अपने से पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं पूछ लिए गए, कहीं वो अपने को लपेटना तो नहीं चाहते हैं, है ना, तो क्या है देखो हाइड्राइड है ना, मतलब जो अपना शक है वो गहरा हो रहा है, और हाइड्राइड वाला तो हो गया, अपना शक गहरा हो गया, तो पी ब्लॉक के हाइड्राइड, तो देख लो यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसके हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, मतलब ये अपने क्या है पी ब्लॉक के हाइड्राइड हैं, तो यहां पे अपनी मेन ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, अपनी यहां पे ये वाली अप्लाई होगी, एक्सेप्शन वाली, है ना, बहुत ही रेयर केस में, और यही पूछा जाता है मैक्सिमम इसका, ठीक है। तो क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब यहां पे हाइड्रोजन हाइड्राइड है ना, हाइड्रोजन तो कॉमन है तो इसका साइज तो हम देखेंगे नहीं, बच्चे क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन का साइज जो है वो सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का साइज सबसे कम है ना, ये तो अपने को पता ही है ना, देखो ये एक क्या है, ये एक ग्रुप है, तो ग्रुप में जो सबसे ऊपर होगा उसका साइज सबसे कम होगा, जो सबसे नीचे होगा उसका साइज सबसे ज्यादा होगा, तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, साइज सबसे ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हो जाएगी सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर बन जाएगा अपने एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। मेरे ख्याल से बिल्कुल आसानी से चीजें हो गई। अब अपना नेक्स्ट ट्रेंड आता है क्या है, पोलराइजेशन, नेक्स्ट अपना ट्रेंड है क्या, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन वाली चीज क्या बोलती है, देखो इसमें क्वेश्चन अपने से जो पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा कोवेलेंट करेक्टर, सी फॉर कोवेलेंट, आई फॉर आयनिक, ठीक है, कोवेलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर के रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर ये फंडा आपको याद रहता है तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत कभी भी आपको नहीं आएगी। देखो पोलराइजेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट करेक्टर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, आयनिक करेक्टर के, पहली चीज हो गई, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, देखो जैसे ये क्वेश्चन आएगा कि कोवेलेंट करेक्टर कंपेयर करके बताओ, या फिर आ गया आयनिक करेक्टर कंपेयर करके बताओ ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है, या फिर कोवेलेंट करेक्टर कंपेयर करके बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब देखो कोवेलेंट करेक्टर का क्वेश्चन आ गया, अब हमें पता है कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, इतनी बात अपने को पता चल गई, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या देखनी है, पोलराइजेशन देखनी है। अब आप पूछोगे कि भाई तूने ये तो बता दिया कि पोलराइजेशन के डायरेक्टली है, पर पोलराइजेशन को कैसे चेक करें, ठीक है। तो पोलराइजेशन चेक करने के लिए दो फंडे अपने पास होने चाहिए। देखो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी। ये अपना पहला फंडा हो गया, ठीक है। अब इस पहले फंडे से अपना आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। बट इससे आंसर नहीं आया, यानी चार्ज अगर सब में बराबर हुआ तो क्या करेंगे, तो हम जाएंगे अपने दूसरे फंडे के पास। दूसरा फंडा क्या बोलता है कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन,
ठीक है, और जो अभी अभी शेर के दहाड़ने की आवाज आई थी ना, वो मेरी ही आवाज थी। ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, कोवेलेंट करेक्टर का क्वेश्चन आ गया, तो हमें पता है कोवेलेंट करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में भी हम कैसे चेक करेंगे? पहला फंडा लगाएंगे कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, बट अगर चार्ज इक्वल हुआ, मतलब सब में चार्ज इक्वल हुआ, बराबर हुआ, तो क्या करेंगे हम? फंस जाएंगे। तो हम फंस जाएंगे जब, तब हम जाएंगे अपने दूसरे वाले फंडे पे। वो क्या बोलता है? साइज ऑफ एन आयन, है ना, पोलराइजेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ए कैटायन। अब डायरेक्ट अपना क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कोवेलेंट करेक्टर पूछा है। तो कोवेलेंट करेक्टर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के। अब पोलराइजेशन कैसे चेक करनी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी। देखो, इसमें क्या है? सोडियम पे आएगा प्लस वन, क्लोरीन पे माइनस वन। ठीक है, मैग्नीशियम पे आएगा प्लस टू और क्लोरीन का, एक एक क्लोरीन का, तो माइनस वन ही रहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम पे आएगा प्लस थ्री और एक एक क्लोरीन का, सारे क्लोरीन का माइनस वन रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला? चार्ज जिसमें ज्यादा होगा पोलराइजेशन उसमें ज्यादा होगी। तो अलग से देखने से ही पता लग रहा है इसमें प्लस थ्री है, इसमें प्लस टू है, इसमें प्लस वन है ना, क्लोरीन तो सब में सेम है। ठीक है, तो इसमें चार्ज सबसे ज्यादा है प्लस थ्री, मतलब इसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, और पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट करेक्टर भी ज्यादा है। इसमें चार्ज सबसे कम है तो इसकी पोलराइजेशन भी सबसे कम और कोवेलेंट करेक्टर भी सबसे कम है। बिल्कुल आसानी से अपना प्रश्न हल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है आयनिक करेक्टर बताना है। अब आयनिक करेक्टर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन है, ध्यान रखना है। कोवेलेंट करेक्टर के डायरेक्टली है और आयनिक के इनवर्सली है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो अब हमें पोलराइजेशन चेक करनी है। पोलराइजेशन चेक करने के लिए पहला फंडा अपना क्या बोलता है? जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा अब पोलराइजेशन होगी। तो चार्ज चेक कर लेते हैं। देखो, बेरिलियम पे आएगा प्लस टू, देखो क्लोरीन क्लोरीन तो सब में बराबर है, तो बिना देखे काट दो। बेरिलियम पे प्लस टू, मैग्नीशियम पे प्लस टू और कैल्शियम पे भी अब प्लस टू। ठीक है, मतलब क्या है? चार्ज तीनों में बराबर आ रहे हैं, मतलब चार्ज वाला अपना जो फंडा है वो फ्लॉप हो चुका है। अब हमें दूसरे फंडे पे जाना पड़ेगा जो क्या बोलता है? साइज ऑफ एनायन अपॉन साइज ऑफ कटायन। ठीक है, अब यहां पे साइज ऑफ एनायन तो अपने को देखना ही नहीं है क्योंकि क्लोरीन है वो तो सब में सेम है। सो साइज ऑफ एनायन तो हमें देखना ही नहीं है, साइज ऑफ कटायन देखना है। ठीक है, अब यहां पे भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एनायन क्या होता है, कटायन क्या होता है। देखो, कटायन में टी आता है, कटायन में टी आता है, तो टी यानी पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है, अब साइज ऑफ कटायन देखना है, साइज ऑफ कटायन किस पे सबसे बड़ा है? देखो, सबको पता है, देखो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये कैसे होंगे, है ना, ऐसे ग्रुप में आएंगे। मान लो ऐसे ग्रुप में आएंगे तो सबसे ऊपर बेरिलियम होगा, तो बेरिलियम का साइज सबसे कम होगा और कैल्शियम का साइज इन तीनों में सबसे बड़ा है। ठीक है, कैल्शियम का साइज तीनों में सबसे बड़ा है। तो देख लो, यहां पे सीधा सीधा रिलेशन बन रहा है कि साइज ऑफ कटायन जितना बड़ा होगा आयनिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा क्योंकि पोलराइजेशन कम हो जाएगी। तो साइज ऑफ कटायन जितना बड़ा होगा आयनिक करेक्टर उतना ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि पोलराइजेशन के इनवर्सली आ रहा है ना, वो सिंपल सी बात है। ठीक है, यही है, इसी फंडे से अपने सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको साफ कर लेते हैं, ये कहां से आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कोवेलेंट करेक्टर कंपेयर करके बताना है। तो वही फंडा है, कोवेलेंट करेक्टर कंपेयर करके बताना है। तो कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, तो हमें पोलराइजेशन चेक करनी पड़ेगी। और पोलराइजेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, कि चार्ज देखना है सबसे पहले, जिसमें ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे कैल्शियम 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 तो सब में बराबर है, कैल्शियम कैल्शियम सब में बराबर है, चार्ज कितना होगा? प्लस टू होगा। अब प्लस टू होगा, इसमें भी प्लस टू होगा, है ना। फ्लोरीन पे माइनस वन आएगा, क्लोरीन पे माइनस वन आएगा, ब्रोमीन पे माइनस वन आएगा। देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये F2Cl2Br2 है ना, ये चाहे थ्री होता जाए फोर होता जाए, बट क्लोरीन पे है वो तो माइनस वन रहेगा ना, ब्रोमीन पे तो माइनस वन रहेगा। अब उसके चार मोलिकुल हो, पांच हो, दस हो, बारह, उससे फर्क नहीं पड़ता अपने। ठीक है, तो चार्ज से देखें तो चार्ज प्लस टू माइनस वन, प्लस टू माइनस वन, प्लस टू माइनस वन, तो चार्ज तो सब में बराबर आ रहा है, मतलब चार्ज वाला फंडा तो अपना अब फ्लॉप हो चुका है। तो चार्ज वाला फंडा जब अपना फ्लॉप हो जाए तो हमें जाना पड़ता है इस वाले पे, है ना। अब इसमें देख लो, कटायन देखें कि अनायन देखें, तो देख लो, देखो कटायन तो सब में सेम है, कटायन जो है वो सब में सेम है, यानी कैल्शियम है, तो कटायन तो अपने को नहीं देखना है, सब में सेम है। तो अनायन का साइज देखना है, तो अनायन के साइज की बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में जो ब्रोमीन का साइज है वो सबसे बड़ा है और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। ठीक है, किसका है, किसका साइज देखा है अपने ने? अनायन का साइज देखा है। तो अनायन का साइज जितना बड़ा होगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा ना, देख लो डायरेक्टली 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 चलता रहे। ठीक है, तो अनायन का साइज जितना बड़ा होगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा, तो ये सिंपल तरीके से अपना ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, कौन सा है? बॉन्ड लेंथ। अब बात करने वाले हैं हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। मतलब क्या है डेल्टा ई एन? क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस, है ना। डेल्टा मतलब डिफरेंस किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का।
और क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन करके समझते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ जो है वो कंपेयर करके बताओ। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन तो सब में सेम है, हाइड्रोजन तो सब में सेम है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन सब में सेम है, सिंपल सी बात है। और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की जो होती है वो मैक्सिमम होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो सिंपल सा है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ऊपर जाने पे बढ़ेगी और ऐसे जाने पे भी बढ़ेगी, है ना। तो फ्लोरीन क्लोरीन कैसे बनेंगे, देखो यहां आएगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इसकी बात करें यहां पर आयोडीन की, इस रेंज में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के साथ जो डिफरेंस होगा ना वो भी सबसे ज्यादा होगा ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आयोडीन की बात करें तो इसका हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो कम होगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी डेल्टा ई एन, ठीक है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं अच्छे से। देखो इसका जो डेल्टा ई एन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और इसका जो डेल्टा ई एन होगा वो बहुत कम होगा। तो जिसका डेल्टा ई एन कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी ज्यादा और इसकी कम हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। और एक बॉन्ड ऑर्डर का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अगर इसमें आपसे पूछ ली जाए बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके बताओ कार्बन और कार्बन के बीच में, देखो कार्बन कार्बन के बीच में यहां एक बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड दो हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा दो। कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, ये अपना ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहीं पे बॉन्ड एनर्जी का भी सेम सा होता है, बॉन्ड एनर्जी का भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां पे तीन बॉन्ड हैं, यहां पे तीन बॉन्ड है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि कौन से बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है जिसमें तीन बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल है, और जिसमें एक बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ लंबी है उसको तोड़ना बहुत आसान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक ये बहुत बढ़िया रेजोनेंस का पूछा जाता है, इसमें आपसे पूछी है कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ बताओ। देखो कार्बन इसमें कहां पे है, ये कार्बन 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 है, ठीक है। अब यहां पे आपसे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ पूछ ली जाए, तो आप बोलोगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में जितनी बॉन्ड लेंथ होती है वही आंसर आ जाएगा, सिंपल तरीके से। और यहां पे आपसे पूछ लिया जाए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ बताओ, तो आप बोलोगे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड दो बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जितनी बॉन्ड लेंथ होती है वो आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। और यहीं पर अपने से गलती हो जाती है। देखो रेजोनेंस क्या होती है ना, रेजोनेंस जैसा ये मॉलिक्यूल दिख रहा है ना ऐसा नहीं होता, ये क्या होते हैं बॉन्ड घूमते रहते हैं। मान लो ये ऐसा दिख रहा है, तो ये ना ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है थोड़ी देर बाद अपनी जगह खिसका लेंगे, मतलब अभी यहां दिख रहा है ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा ना, यही रेजोनेंस होती है। तो रेजोनेंस की बात करें, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए रेजोनेंस का, देखो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इन दोनों के बीच में होगी, है ना, इन दोनों के बीच में होगी, मतलब क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अगर 10 है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर बॉन्ड लेंथ 5 है, तो 10 और 5 के बीच में पाई जाएगी, अगर इसमें रेजोनेंस वाले केस में पूछ लिया जाए आपसे बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। देखो सिंपल सी बात है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि बॉन्ड को तोड़ना कितना मुश्किल है ना, तो जिस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है ना, बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर यानी जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे। देखो हमने यहां पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखा था, मैंने क्या बोला, देखो यहां पर देखो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, है ना। अब यहां पर हमने ये देखा था, देखो बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड वाले में सबसे ज्यादा बॉन्ड है, तो इसको तोड़ना भी उतना ही मुश्किल है। सिंगल बॉन्ड वाले का क्या है, बॉन्ड ऑर्डर एक है, बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो इसको तोड़ना भी उतना ही आसान है। अब इसी को दूसरी भाषा में बोल लो कि बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ये भी हम देख चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड वाले की, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इतनी बॉन्ड लेंथ है, डबल बॉन्ड वाले की इतनी है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले की बहुत कम होगी। तो जिसकी ज्यादा बॉन्ड लेंथ है उस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, यानी बॉन्ड एनर्जी कम है। वही चीजें हैं, वही बॉन्ड लेंथ वाली चीजें हैं। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाए HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। अब इसमें हम बॉन्ड लेंथ देख चुके थे कि बॉन्ड लेंथ का ये वाला ऑर्डर आएगा, बॉन्ड लेंथ का इसमें हम ऑर्डर देख चुके थे, डेल्टा ई एन से हमने निकाला था, ये वाला ऑर्डर आएगा बॉन्ड लेंथ का। अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड एनर्जी का इसके ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट बात करें तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर आया था, चाहे बॉन्ड ऑर्डर से इसको निकाल लो कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी आएगी ना, उससे कम बॉन्ड ऑर्डर उससे कम, और सिंगल एक ही बॉन्ड ऑर्डर है उससे कम। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एटॉमिक साइज के बारे में। देखो एटॉमिक साइज का जो पीरियोडिक टेबल में जो कॉमन सा ट्रेंड रहता है ना, देखो मान लो ये अपनी एक
पीरियोडिक टेबल है उसका मानचित्र नक्शा है, ठीक है। अब जो कॉमन सा ट्रेंड रहता है एटॉमिक साइज का, वो क्या रहता है कि नीचे आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और इस डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में आने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ये एक कॉमन सा ट्रेंड है। अब देखो एटॉमिक साइज में जो कंफ्यूजन आती है ना, वो है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन वाली। देखो अगर इनके साइज की बात करें जर्कोनियम और हाफनियम की, देखो ये कहां पे आएंगे, ऑलमोस्ट अपने यहां पे आएंगे, है ना, यहां पे आएंगे, है ना, यहां पे क्या आएगा, यहां पे जर्कोनियम आएगा और यहां पे हाफनियम आएगा, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, इस रूल के हिसाब से जर्कोनियम का साइज कम होना चाहिए किससे, हाफनियम से। बट होता क्या है, इनका साइज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है ना, एग्जाम्पल भी यही पूछा जाता है, पीवाईक्यू चेक कर लो, यही पूछा जाता है जर्कोनियम हाफनियम। और इसका रीजन क्या है, रीजन पूछ लिया जाए तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अपने नीट में, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इसका रीजन है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, तो उसका रीजन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन का पूरा फ्लो समझो, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जर्कोनियम और हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, उसका रीजन क्या है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी, ठीक है ना, किसी एटम के पास, किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगी, आसानी से निकल जाएगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना मुश्किल रहेगा उतना क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब इसका भी कॉमन ट्रेंड की बात करें तो देखो ये अपनी पीरियोडिक टेबल का नक्शा एक बना लेते हैं हम, ये मान लो अपनी पीरियोडिक टेबल है, तो कॉमन ट्रेंड की बात करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर की तरफ जाने पे इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और इस डायरेक्शन में इस तरफ जाने पे इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो ये तो हो गई कॉमन सी चीज जो है ना 99% केस में अप्लाई हो जाएगी, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें ऐसा रिजल्ट नहीं दिखाई मिलता ना, जो ये है ऐसा रिजल्ट नहीं दिखाई मिलता। फॉर एग्जांपल ये अपना पूरा पीरियड ले लेते हैं ना, यहां से यहां तक पूरा पीरियड ले लेते हैं, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड क्या है कि इस रूल के हिसाब से, है ना, कि इधर जाने पे इंक्रीज होगा, तो एक्सपेक्टेड क्या है, इसकी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे, है ना, फिर ऐसे ये ऐसा ऑर्डर बन जाएगा, सबसे कम लिथियम और सबसे ज्यादा ये तो है एक्सपेक्टेड, है ना, इस रूल के हिसाब से। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, है ना, चेंज आ जाता है। चेंज कहां आया, देखो ये बेरिलियम दूसरे पे था, यहां बोरोन दूसरे पे हो गया, ठीक है। फिर कहां चेंज आया, फिर कहां चेंज आ गया, नाइट्रोजन जो था वो ऑक्सीजन से पीछे था और यहां पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से आके निकल गया, ठीक है। ये है अपना एक्सपेक्टेड कि ऐसा आना चाहिए था, बट ऑर्डर आता कैसा है, रियलिटी में ऐसा आता है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, रीजन हम देख लेते हैं, रीजन क्या है, रीजन हम देख लेते हैं। देखो जो बेरिलियम होता है, देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होगा S1, ये होगा S2, ठीक है। तो बेरिलियम है S2 यानी फुली फिल्ड, S2 यानी फुली फिल्ड ऑर्बिटल। और हमें पता है फुली फिल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये हो गया फुली फिल्ड। अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होगा P1 होगा, ये होगा P2 और ये होगा P3। अब P3 भी क्या होता है, देखो ये क्या है फुली फिल्ड, और P3 क्या हो जाएगा, P3 क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड, है ना। P में कितने आते हैं, देखो मान लो ये P सब शेल है, इसके पास क्या है, 3 ऑर्बिटल होंगे, तो हाफ फील्ड कैसे हो जाएगा, P3 1 2 3, ये हाफ फील्ड हो जाएगा, तो हाफ फील्ड वाला भी ज्यादा स्टेबल होता है, है ना। तो क्या बात पता चली कि बेरिलियम जो है वो क्या है, फुली फील्ड ऑर्बिटल है उसमें, तो वो ज्यादा स्टेबल है। और नाइट्रोजन में क्या है, P3 यानी हाफ फील्ड है, तो वो भी ज्यादा स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल यानी उनसे इलेक्ट्रॉन का निकालना जो है वो मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन को निकालना उनसे मुश्किल है, तो उनकी उनकी क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल नॉर्मली जितनी आनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड, उससे थोड़ी ज्यादा आती है। अब कितनी ज्यादा आती है, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए सिंपल सा एक फंडा बताता हूं कि इनकी जो नेचुरली जगह थी ना उससे एक पॉइंट इनको खिसका दो, नाइट्रोजन की जो नेचुरली जगह थी उससे एक पॉइंट इसको खिसका दो, ठीक है। अब बेरिलियम को एक पॉइंट खिसका देंगे तो ये किससे, बोरोन से आगे निकल जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन को एक पॉइंट खिसका देंगे तो ये ऑक्सीजन से आगे निकल जाएगा, याद रखना सिर्फ एक एक पॉइंट ही खिसकाना, ऐसा नहीं है सबसे आगे पहुंचा देना, ठीक है। तो ये अपना रियलिटी वाला ऑर्डर यहां पे आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। यही इसमें एक्सेप्शन है, यही इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, जो बिल्कुल आसानी से हमने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। देखो एफिनिटी मतलब क्या होता है, प्यार, एफिनिटी मतलब होता है प्यार, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार। देखो याद करो हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, ठीक इसका ऑपोजिट कर दो कि अगर हम इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन देना चाहें ना तो वो कितनी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे अगर हम तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये बताया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में।
ठीक है। अब इसका भी एक कॉमन सा ट्रेंड देखें तो वही है, देखो ये पीरियोडिक टेबल का नक्शा बना लेते हैं, ये अपनी मान लो पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें कॉमन से ट्रेंड की बात करें तो ऊपर जाने पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और इस डायरेक्शन में यहां पे जाने पे बढ़ेगी, ये तो हो गया कॉमन ट्रेंड। अब कंफ्यूजन कहां होगी, तो अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, देखो ये अपना पूरा पी ब्लॉक है ना, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली है ना, तो इसमें अगर ऑर्डर की बात करें तो इस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, देखो ये है ना पी ब्लॉक, तो ऊपर जाने पर बढ़ना चाहिए था, तो ऑर्डर आना कैसे चाहिए था, ये ऑर्डर आना चाहिए था, ठीक है, सब में क्या है, यही ऑर्डर आना चाहिए था, ये था एक्सपेक्टेड कि ये आना चाहिए था, बट दिक्कत क्या हुई, ऑर्डर कैसा आता है, ऑर्डर कैसा होता है, यहां पे चेंज आता है एक, यहां पे सब में चेंज आ जाता है, बाकी सारा सेम है, सिर्फ कहां पे चेंज आया है, सब में ये पहली पोजीशन पे चेंज आया है, और वो चेंज क्यों आया है, तो सिंपल सी बात है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं है ना। अब देखो साइज की बात करो, अगर साइज की बात की जाए तो हमें पता है नीचे आने पे साइज क्या है, इंक्रीज होता जाएगा, मतलब बोरोन का साइज इतना है तो एल्यूमिनियम थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, गैलियम ये वाला इससे थोड़ा बड़ा होगा, और ये वाला और भी बड़ा होगा ना, तो नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, ठीक है। अब ऊपर क्या है, सबसे ऊपर क्या है, साइज बहुत छोटा है ना, सब पे ये चीज सब पे अप्लाई हो रही है, यहां भी साइज छोटा है, यहां भी साइज छोटा है, यहां भी साइज छोटा है ना, और यहां पे थोड़ा ये ठीक कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे साइज बड़ा है, यहां पे साइज बड़ा है, यहां पे साइज बड़ा है, ठीक है। अब एक बात इमेजिन करो कि यहां पे साइज छोटा है और इनके पास जाहिर से बात है एटम है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। अब यहां पे छोटे साइज पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है ना, जो छोटे छोटे एटम है उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जो बड़े एटम है उन पे क्या है, साइज इतना बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन तो है बट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम करते क्या है, इलेक्ट्रॉन हमें देना है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है और हमें इलेक्ट्रॉन को ही देना है, तो माइनस चार्ज आपस में रिपल्शन करेंगे, माइनस चार्ज आपस में रिपल्शन करेंगे, तो होना तो चाहिए था क्या, सबसे ज्यादा इनका होना चाहिए था, तो इस रिपल्शन की वजह से वो इतना प्यार नहीं करते है ना, इलेक्ट्रॉन को लेना उतना पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए इनका क्या है, ऑर्डर कम हो जाएगा है ना, ये अपना चेंज आ जाएगा। चेंज याद रखना सिर्फ इसी लाइन में चेंज आया है, बाकी सारे सेम है, बाकी सारे ही सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो अपना वही हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल का नक्शा बना लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा कुछ खास एक्सेप्शन आपसे नहीं पूछी जाती, सिंपल सा ऑर्डर चलता है कि ऊपर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इस साइड जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, इस साइड जाने पे भी बढ़ती है, ठीक है। अब देखो एक चीज यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमने यहां पे चार चीजें की, एक तो की क्या एटॉमिक साइज देखा है ना, फिर हमने क्या देखा आयनाइजेशन पोटेंशियल देखा, फिर हमने क्या देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी, फिर हमने क्या देखी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, चार चीजें देखी। अब चार चीजों में आप यहां पे बिल्कुल क्लियर रहना, मान लो एक और हम पीरियोडिक टेबल का नक्शा बनाते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है, तो इन तीनों के लिए बिल्कुल सेम पैटर्न है कि ऊपर जाने पे ना, कॉमन पैटर्न की बात करें, ऊपर जाने पे इंक्रीज होता है और इस डायरेक्शन में जाने पे इंक्रीज होता है, ठीक है। जबकि एटॉमिक साइज की बात करें तो इसमें बाजी थोड़ी उल्टी पलट गई है, इसमें क्या है नीचे जाने पे साइज बढ़ता है और इस डायरेक्शन पे जाने पे बढ़ता है ना, ये कॉमन सी चीज याद रखना कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या है ये वाला अपना ट्रेंड चलेगा और एटॉमिक साइज वाले में अपना ये वाला ट्रेंड चलेगा, ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम थर्मल स्टेबिलिटी। देखो थर्मल स्टेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले चेक करो कि अपने को कोवेलेंट कंपाउंड दिया है या फिर आयनिक कंपाउंड दिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम पहचाने कैसे कि कोवेलेंट है या आयनिक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कंपाउंड में एस ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाए, एस ब्लॉक का है ना, 99% में ये सही जाएगा, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट दिख जाए मतलब वो आयनिक कंपाउंड है, और एस ब्लॉक ना दिखे तो जाहिर सी बात है आपको पी ब्लॉक एलिमेंट दिखेगा तो वो कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के केस में देखो हम यहां से हैं कोवेलेंट कंपाउंड को देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड के केस में थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी है ना, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी है ना, मतलब क्या है बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ये एक ऑर्डर देख लेते हैं HF, HCl, HBr, HI। देखो अब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ हम सब कुछ देख चुके हैं, और हम देख चुके हैं कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी थी, HF की थी, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। HI की बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो सबसे कम लगेगी, क्यों, क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है ना, तो HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा हो जाएगी है ना, और आप देख सकते हो कोवेलेंट कंपाउंड है, कहीं भी एस ब्लॉक का एलिमेंट इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड
कंपाउंड में ना अपने पास दो टाइप के केस आ सकते हैं, दो टाइप के केस आ सकते हैं, या तो मोनो एटॉमिक कटायन या अनायन होंगे या फिर पॉली एटॉमिक कटायन या अनायन। अब देखो ये मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक क्या होता है ये आपको देखने से ही पता लग जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CO3-2, ठीक है, एक आपके पास है H+, ठीक है, एक आपके पास है Li+, एक आपके पास है Fl-, एक आपके पास है सल्फेट आयन है, ठीक है। अब इसमें बताओ कौन सा पॉली एटॉमिक है कौन सा अब मोनो एटॉमिक है, तो देखने से ही पता लग रहा है मोनो एटॉमिक मतलब एक है ना, सिंगली तो है, एक एच प्लस है, मोनो एटॉमिक मतलब एक सिंगली तो है, मोनो एटॉमिक मतलब एक सिंगली तो है, और पॉली एटॉमिक मतलब देखो इसमें कार्बन भी आ गया ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है, पॉली एटॉमिक ये वाला हो गया। पॉली एटॉमिक देखो पॉली मतलब ज्यादा ना, तो पॉली एटॉमिक सल्फर भी आ गया ऑक्सीजन भी आ गया, ये हो गया अपना पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोनो एटॉमिक कटायन या अनायन होंगे तो अपना क्या फॉर्मूला बनेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब आप बोलोगे कि हम लैटिस एनर्जी कैसे चेक करें, ठीक है, अब आपको बोलना चाहिए कि लैटिस एनर्जी कैसे चेक करें, तो लैटिस एनर्जी चेक करने का सिंपल सा फंडा रहता है चार्ज अपॉन साइज। लैटिस एनर्जी चेक करने का सिंपल सा फंडा है चार्ज अपॉन साइज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जितना छोटा साइज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो ये अपना क्वेश्चन है, मान लो ये अपना क्वेश्चन है कि बताओ इनमें थर्मल स्टेबिलिटी बताओ, है ना। अब आयनिक कंपाउंड है कैसे चेक किया, मैंने क्या बोला था आयनिक कंपाउंड यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट मिलेगा, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, मतलब ये आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड में भी अपने को चेक करना है मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। देखो लिथियम है ना, लिथियम प्लस मोनो एटॉमिक है, हाइड्रोजन माइनस क्या है, एक मोनो एटॉमिक है, तो ये मोनो एटॉमिक का केस है। यहां थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और लैटिस एनर्जी हमने देखा कि चार्ज बाय साइज। सबसे पहले चार्ज चेक करते हैं, देखो लिथियम प्लस एच माइनस, सोडियम प्लस एच माइनस, पोटेशियम प्लस एच माइनस, रुबिडियम प्लस एच माइनस, मतलब क्या है, लिथियम में प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, सब में प्लस वन चार्ज है, और इधर एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, मतलब चार्ज सब में ही बराबर आ रहा है, तो चार्ज से अपना आंसर नहीं आएगा, अपना आंसर आएगा साइज से। जिसका साइज जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब साइज किसका देखना है, देखो हाइड्रोजन तो सब में सेम है, तो हाइड्रोजन का तो साइज देखना नहीं है ना। अब यहां पे अगर देखें तो इसमें लिथियम का साइज सबसे कम है, लिथियम का साइज सबसे कम है, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ये अपना ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। ये तो है मोनोटॉमिक का केस, और यहां पे पॉलीएटॉमिक पूछ लिया जाए, देखो पॉलीएटॉमिक आपको देखने से ही पता लग जाएगा NO3, 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 ठीक है, देखने से ही पता लग जाएगा। अब पॉलीएटॉमिक के केस में क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पोलराइजेशन के। और पोलराइजेशन का तो मेरे ख्याल हम डिटेल में कर चुके हैं कि पोलराइजेशन को हम कैसे देख रहे थे, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये अपना पहला फंडा था। पहले फंडे से आंसर आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो हमने क्या किया था, कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ये हम पोलराइजेशन पहले कर चुके हैं, ठीक है। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इससे आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले चार्ज देखते हैं। देखो लिथियम का प्लस है और NO3 माइनस, वो तो सेम रहेगा, ये भी प्लस वन, ये भी प्लस वन, मतलब चार्ज तो सेम है, तो चार्ज वाला फंडा अपना फ्लॉप हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा साइज ऑफ एनायन या फिर साइज ऑफ कैटायन। अब साइज ऑफ एनायन NO3 माइनस सब में सेम है, तो साइज ऑफ एनायन तो अपने को देखना नहीं है, तो अपने को देखना है साइज ऑफ कैटायन। अब साइज ऑफ कैटायन जितना कम होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटायन सबसे कम किसका, देखो साइज लिथियम का सबसे कम है और पोटेशियम का सबसे ज्यादा है, मतलब क्या है, पोलराइजेशन जो है वो सबसे कम है इस वाले में और पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है इस वाले में। अब पोलराइजेशन का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पे ध्यान रखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, और इसमें पोलराइजेशन सबसे कम है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो इसमें क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब एक आता है अपना बॉन्ड एंगल, अब बॉन्ड एंगल के लिए आपके सामने एक वीडियो चलने जा रही है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको बॉन्ड एंगल समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो आपको दे दिया कि ये दे दिया आपको BCl3 एंड CCl4, अब इसमें बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, बॉन्ड एंगल हमें चेक करने के लिए हमेशा क्या है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो बॉन्ड एंगल में मैं अपना पैटर्न बता देता हूं, कैसे करते हैं हम काम, कैसे करते हैं। देखो यहां पे अपने को क्या है, चार रूल्स यहां पे देखने को मिलेंगे, और काम कैसे करना है, देखो कोई भी मान लो ये अपने पास क्वेश्चन आया बॉन्ड एंगल का, तो हम भागे भागे जाएंगे किसके पास, फर्स्ट रूल के पास। अब फर्स्ट रूल
टूल से अपना आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, गाड़ी यहीं रुक जाएगी। बट अगर इससे आंसर नहीं आया तो जाएंगे सेकंड के पास। अब सेकंड से आंसर आ गया तो गाड़ी यहीं रुक जाएगी, अपना आंसर खत्म है, ठीक है। बट इससे भी आंसर नहीं आया तो इसके पास जाएंगे, इससे आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं आया तो जाएंगे फोर्थ के पास, और फोर्थ से तो अपना आंसर फाइनली आ ही जाएगा, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि हमें आगे कैसे कैसे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा या नहीं भी जाना पड़ेगा, वो हम देखेंगे एक एक रूल्स के बारे में जब हम देखेंगे। अब देखो इन चार रूल्स के सहारे अपनी सारी कहानी यहाँ पे चलने वाली है। बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अपना पैटर्न क्या है, सबसे पहले जाएंगे पहले रूल के पास, पहले रूल से काम बना तो ठीक है, नहीं तो दूसरे के पास, दूसरे से काम बन गया तो ठीक बात है, नहीं तो जाएंगे तीसरे के पास, तीसरे से काम बना गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे फोर्थ के पास, और फोर्थ से तो लास्ट में काम अपना बन ही जाएगा, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि BECL2 एंड BCL3 इसमें क्या है बॉन्ड एंगल, इसमें क्या है आप बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताओ। तो मैंने क्या बोला, बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले जाएंगे अपने पहले रूल के पास कि चेक हाइब्रिडाइजेशन, क्या है चेक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। देखो BECL2 कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ये ऐसा दिखने वाला है, और BCL3 कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये BECL2, ये BCL3। अब हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इजीली आप बता दोगे इसमें क्या है SP है, और SP है तो ये एंगल कितना होगा अपना 180 डिग्री होगा, और इसको देख के आप इजीली बता दोगे कि कितनी हाइब्रिडाइजेशन है SP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे अलग ही पता चल रहा है कि ये 180 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो ये बॉन्ड एंगल BCL2 में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉन्ड एंगल कंपेयर करो BF3 एंड BCL3 का, तो मैंने क्या बोला कि बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले जाएंगे पहले रूल के पास कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इनकी देख लेते हैं। देखो BF3 कुछ ऐसा सा दिखेगा, ऐसा सा ज्योमेट्री अपने को दिखेगी, और BCL3 की भी कुछ ऐसी सी ज्योमेट्री अपने को दिखेगी। अब हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखने से ही पता लग रही है SP2, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है SP2। अब गड़बड़ क्या हुई कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सिमिलर आ गई, सेम आ गई, मतलब क्या है अपना जो पहला रूल है वो यहां पे हो गया फ्लॉप। अब हम जाएंगे अपने दूसरे रूल के पास। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर अब्सेंट हो तो हम क्या करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन, ये लोन पेयर वाली बात पे मेरी पे ध्यान देना कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर अब्सेंट है, लोन पेयर अब्सेंट, देखो बोरोन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, बोरोन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो BF3 और BCL3 में क्या है बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस बात पे मैं फिर से जोर दे रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर अब्सेंट है, क्योंकि लोन पेयर अगर प्रेजेंट होगा तो बहुत बातें अलग हो जाएंगी, ये सिमिलर नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। बॉन्ड एंगल जब अब्सेंट है तो ये इक्वल होगा, इस बात पे मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पे 5 स्टार 10 स्टार लगा लेना, इस बात पे लोन पेयर वाली पे ध्यान रखने, ठीक है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि CH4 और NH3 में आप कंपेयर करके बताओ, क्या बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करके बताओ। तो पहली बात क्या है, सबसे पहले जाओ बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले जाएंगे अपने फर्स्ट रूल पे कि चेक हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इनकी चेक कर लेते हैं। पहले CH4 को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा टेट्राहेड्रल, और ये कैसा अमोनिया कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, अमोनिया पे एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इनकी क्या देखेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो इसकी भी क्या आएगी sp3 आएगी, इसकी भी आएगी sp3, मतलब क्या है अपना पहला रूल है फ्लॉप हो चुका है, हाइब्रिडाइजेशन तो इक्वल आ चुकी है, पहला फ्लॉप है। अब दूसरे पे चलते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है ठीक बात है, और लोन पेयर अब्सेंट है, बट यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर अब्सेंट नहीं है, तो अपना दूसरा रूल भी यहां हो जाता है फ्लॉप। अब जाएंगे तीसरे पे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे एक बात याद रखनी है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, ठीक है। या तो इसको याद कर लो या इसको तरीके से समझ लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये है जो ये जो रिपल्शन हो रही है यहां पे वो कैसी रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, बट ये जो रिपल्शन है वो कैसी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है, मतलब ये इसको
इधर की साइड धक्का मार देगा, इधर की साइड धक्का मार देगा, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये थोड़े नजदीक आ जाएंगे, ये थोड़े नजदीक आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, है ना। तो यही बात है कि लोन पेयर प्रेजेंट होने से बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो CH4 में क्या है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अमोनिया में कम होगा, है ना। यही रीजन होता है, यही रीजन होता है ना। लोन पेयर बढ़ने से क्या है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। बेसिकली ये बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल है, मतलब बॉन्ड के बीच का ही तो एंगल होना चाहिए, ये बॉन्ड के बीच का ही तो एंगल पूछ रहे हैं वो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो फोर्थ रूल की बात हम थोड़ी सी डिटेल में करना चाहते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ठीक है। और साइज में क्या है, इसको ऑपोजिट कर दो, यहां पे सेंट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में सेंट्रल एटम ऊपर था, तो साइज के केस में सेंट्रल एटम को नीचे पहुंचा दो, कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि H2O एंड H2S में बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है, तो हमेशा बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। डाउन टू अर्थ का मतलब है सबसे पहले पहला रूल चेक करना है, फिर वो काम ना आए तो दूसरा, दूसरा काम ना आए तो तीसरा, तीसरा काम ना आए तो चौथा, फोर्थ, है ना, फोर्थ ये वाला है अपना। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे, सबसे पहले हम पहला रूल फॉलो करेंगे। पहले रूल में क्या था कि चेक हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देख लें, ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और ये भी कुछ सिमिलर तरीके का बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, इसकी भी कितनी होगी, sp3, ऑक्सीजन की sp3, सल्फर की भी sp3। तो कुल मिला के बात क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम है, तो पहला रूल अपना फ्लॉप हो चुका है। अब हमें जाना पड़ेगा दूसरे रूल के ऊपर। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर अब्सेंट हो, लोन पेयर अब्सेंट हो, बट यहां पर लोन हैं प्रेजेंट, मतलब दूसरा रूल भी हो गया फ्लॉप। तीसरा रूल क्या बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो क्या है, हम लोन पेयर के नंबर से उसका बॉन्ड एंगल हम देख लेंगे। लोन पेयर के नंबर से कैसे देखेंगे, हमने देखा था कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, बट यहां पे दिक्कत क्या है, लोन पेयर भी क्या है, बराबर है, लोन पेयर भी क्या है, बराबर है, तो अपना तीसरा रूल भी हो गया फ्लॉप। अब हमें आना पड़ेगा फोर्थ रूल पे, फोर्थ रूल अल्टीमेट रूल है जो अपना, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, देखो अब हमारा, देखो अपना क्या है, साइड एटम दोनों में सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब आंसर आने वाला है अपना सेंट्रल एटम से, अपना सेंट्रल एटम से, तो या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल लो या साइज से निकाल लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस भी सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा ज्यादा, या इसको हम साइज के बेस पे भी निकाल सकते हैं कि सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो सल्फर का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा, साइज ज्यादा तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये अपना, ठीक है। मैं एक बात बॉन्ड एंगल में फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। डाउन टू अर्थ मतलब पहले रूल, फिर दूसरे रूल, फिर तीसरे रूल, फिर चौथे रूल पे जाना है, इसको रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से चलना है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, देखो स्ट्रक्चर में सिंपल सी मैं आपको बता दूं, कुछ तो है ना आधी ऐसी आएंगी जिनको हमें याद करना पड़ेगा, थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, और आधी ऐसी आएंगी जिनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखी हुई है ना, अब वो क्या है वो आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको आती है तो वो डायरेक्टली आपके हो जाएगी। जैसे डायबोरेन का है, इसका थोड़ा आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखो B2H6, तो ये बोरोन है, ये बोरोन है, एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और ये इधर क्या बन रहा है, बीच में हाइड्रोजन है, और इधर क्या बन रहा है, ये बनाना बॉन्ड बन रहा है, बनाना बॉन्ड। नेक्स्ट AlCl3 का डाइमर है, तो सिंपल सी बात है, देखो एक AlCl3 तो ये हो गया ना, एक AlCl3 ये हो गया, तो ये डाइमर हो गया, सिंपल सी बात है। सिलिसिक एसिड, इसका क्या है, अपना सिलिकॉन पे 4 OH लगा दो। नेक्स्ट है सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन की ये जो है, ये जो है ये एक यूनिट है, और यही यूनिट क्या है, रिपीट होती रहेगी। नेक्स्ट कार्बन सब ऑक्साइड क्या होती है, C3O2, देखो कार्बन 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 और ये OO, ठीक है। आपको यहां पे ध्यान ये रखना है, हर जगह डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है ओजोन का, तो सबको पता ही होता है ओजोन कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, और ये क्या दिखाया हुआ है कि ओजोन के अंदर क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। देखो ये आपको लुईस डॉट से, है ना, लुईस डॉट से पता होना चाहिए कि NO कैसे बनेगा, NO2 कैसे बनेगा, N2O कैसे बनेगा, N2O3
N3 हो गया, N2O4 हो गया। वैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं ये पूछे भी नहीं जाएंगे, आपको पूछे जाएंगे ना कुछ इस तरीके के ही पूछे जाएंगे कि डायबोरेन का पूछ लिया है ना, डाइमर पूछ लिया, और जो पूछा जाएगा वही मैं बता दूंगा, ये आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, ये H2O2 का पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये है ना कैसा होता है, बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। देख लो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये अपने लुईस डॉट वाले हो गए। देखो ये पूछ लिए जाते हैं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसमें आपसे पूछ लेंगे कितने OH बॉन्ड है, कितने OH बॉन्ड है ना। फंडा सिंपल सा होता है, देखो OH OH निकाल के जितने बचे, हाइड्रोजन तो खत्म ही हो जाएगा 2H में, बचे क्या ऑक्सीजन ही, तो वो अपने का मजबूरी में लगाने पड़ेंगे। ये कुछ आपको ध्यान रखने हैं, H2H2OH होता है, तो देखो इसमें देखो ऑक्सीजन कैसे आ रहे हैं, बीच में दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, इधर सल्फर है, सल्फर है ना, फिर क्या है OH OH लगा दो। देखो दो ही हाइड्रोजन है तो दो ही OH लगेंगे, बाकी ऑक्सीजन ही बच गए, तो अपनी मजबूरी ही हो जाएगा ऑक्सीजन को लगाना। हाइपोक्लोरस एसिड, ये देखो आपको ऑक्सी एसिड्स में मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, आगे बताऊंगा कि हाइपोक्लोरस क्या होता है, सल्फ्यूरस क्या होता है ना, पाइरोफॉस्फोरस क्या होता है, वो सब मैं ऑक्सी एसिड वाली ट्रिक में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये सारे वही हैं, सारे वही हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, ये याद करने वाले नहीं है, इनको याद करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि है ना ये अपने याद करने वाले नहीं है, ये अपना याद करने वाला है S6 होता है। देखो 6 सल्फर होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये S8 है अपना, है ना, ऐसे याद रखना। देखो ये W जैसा बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है S3O9। देखो इसमें क्या है, एक बेंजीन रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना दो, देखो ये बेंजीन रिंग जैसी बन रही है, बेंजीन रिंग, इसमें क्या करो, तीन तो क्या कर दो सल्फर, एक सल्फर, दो सल्फर, तीन सल्फर, और बाकी के तीन जगह ऑक्सीजन भर दो, ऑक्सीजन भर दो, बचे क्या, आप ऑक्सीजन भर गए, हर सल्फर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल 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 डबल, सब जगह ऑक्सीजन भर दो। नेक्स्ट है ओलियम, ओलियम अपनी फेमस है। देखो H2S2O8 में क्या था, O8 में क्या था, यहाँ पे दो ऑक्सीजन थे कुछ इस तरीके से, O7 में क्या होगा, उस एक ऑक्सीजन को हटा दो तो ये O7 बन जाएगा। देखो O8 मैं आपको दिखाता हूं कैसा था, कहां गया बेटा, मिल जा, कहां गया, ये था, देखो ये था O8, O8 में क्या था, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, तो O7 में क्या होगा, एक ऑक्सीजन हटा दो, ये डायरेक्ट ऐसे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये था अपना। ठीक है, सिंपल तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइट फॉस्फोरस, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए व्हाइट फॉस्फोरस कैसा होता है, और रेड फॉस्फोरस में आप क्या करोगे, देखो ये जो बॉन्ड था इसे तोड़ के इधर बढ़ा दो, है ना, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ के, है ना, इस इधर देखो हमने इधर बढ़ा दिया, देखो है ना, इस बीच वाले बॉन्ड को। ठीक है, और ब्लैक फॉस्फोरस में क्या है, बीच वाला बॉन्ड भी टूट के इधर 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 एक्स्ट्रा ही बन रहे, और 6 फॉस्फोरस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है H3PO4, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये याद नहीं करने हैं, ये भी याद नहीं आपको करना है, ये भी आपको याद नहीं करना है, या सारे ऑक्सी एसिड्स हैं, इनकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। याद कौन सा करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ये भी बिना याद करने का है। देखो ये ध्यान में रखना है आपको, मैग्नेट आयन क्या होता है, MnO4-2 होता है, तो सिंपल सी बात है, इसमें याद क्या करना था, MnO4-2 हो गया, सिंपल सी बात है। MnO4- क्या होता है, पर मैग्नेट आयन, ये डी एंड एफ में भी मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेट क्या होता है, पर मैग्नेट क्या होता है, इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अपना स्पेसिफिक शेप वाला क्वेश्चन है, देखो जो शेप वाले क्वेश्चन है ना स्पेसिफिक, वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, जैसे डाइबोरेन हो गया ना, जैसे सल्फर वाले थे, S6 था, S8 था, वो स्पेसिफिक शेप वाले थे, ये भी स्पेसिफिक अपना शेप वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बटरफ्लाई शेप अपना कंपाउंड बनता है, कौन सा, क्रोमियम ऑक्साइड CrO5। देखो ये बन रही है बटरफ्लाई जैसी बन रही है, ये CrO5 बटरफ्लाई जैसा बन रहा है ना, ये भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये थोड़ा देख लेना है ना, Cr2O7-2 है ना, Cr2 और ये O7 और -2। अब देखिए, अब हम करने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स की ट्रिक करने वाले हैं, अब हम क्या है ऑक्सी एसिड्स की ट्रिक करने वाले हैं। देखो ऑक्सी एसिड के रिलेटेड अपने को दो टाइप की कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो बारी बारी से बात करेंगे कौन सी कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कौन सी कंफ्यूजन होती है। देखो अपने को यही नहीं पता चलता कि मेटा एसिड क्या होता है, पाइरो एसिड क्या होता है, और क्या है ऑर्थो एसिड क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको बता दूं कि ये है H3PO4 और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। अब आप बताओ कि मेटा फॉस्फोरिक एसिड कैसा दिखेगा, आप बताओ कि पाइरो फॉस्फोरिक एसिड कैसा दिखेगा, आप बताओ कि ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड कैसा दिखेगा। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटा एसिड क्या होता है, मेटा एसिड। देखो सिंपल सी ट्रिक है, देखो ये स्टार्ट हो रहा है M से, M4 मेटा, और M4 ही क्या होता है, मोनो, और मोनो का मतलब होता है एक वन। अब वन से क्या याद आएगा कि अपने को क्या है, वन मोलिक्यूल लेना है किसका,
एसिड का वन मॉलिक्यूल लेना है और एसिड के वन मॉलिक्यूल में से क्या निकाल देना है अपने को, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल देना है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल देना है। तो रिजल्ट में अपना क्या बन जाएगा, ये मेटा एसिड बन जाएगा, रिजल्ट में मेटा एसिड बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो मान लो अपने पास यहां पर वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड लेना है, तो ये अपने पास है H3PO4 और इसका एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। तो H3PO4 को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। अब H3PO4 में से मैं क्या निकाल दूं, अगर एक मॉलिक्यूल किसका निकाल दूं, ये वाटर का निकाल दूं, तो ये बच क्या जाएगा, देखो इसमें से वाटर निकाल दीजिए, क्या बच जाएगा, HPO2 बच जाएगा, है ना। अब एक मॉलिक्यूल से निकाला है तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये फॉस्फोरिक एसिड था तो ये क्या बन गया, मेटा फॉस्फोरिक एसिड बन गया। अब आप कुछ भी किसी भी चीज का ऐसे मेटा एसिड बना सकते हो, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं किसकी, दूसरे पे बात करते हैं पाइरो एसिड की। दूसरे पे बात करते हैं पाइरो एसिड कैसे बनेगा, देखो पाइरो की ट्रिक बताता हूं। यहां पे क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, यहां पे पाई आ रहा है, तो पाई बाई है ना, इसे याद आना चाहिए, बाई आना चाहिए कि पाई बाई पाई बाई। अब बाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, दो का मतलब है कि आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं, किसके, एसिड के दो मॉलिक्यूल लेने हैं और उसमें से क्या है, एक मॉलिक्यूल वाटर, हमेशा एक मॉलिक्यूल निकलेगा, दो मॉलिक्यूल लेने हैं एसिड के, उसमें से एक मॉलिक्यूल वाटर का निकाल देना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका पाइरो एसिड बन जाएगा, पाइरो एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो आपके पास क्या था, H3PO4 था और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। अब इसके मॉलिक्यूल कितने लेने हैं, अगर पाइरो बनाना है तो इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं और माइनस क्या कर देना है, एक मॉलिक्यूल वाटर का माइनस कर देना है, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल को सिंपल तरीके से लिख लो, अगर आप टोटल कितना बन जाएगा, देखो दो है ना यहाँ पे, तो H6 कर दो, P2 कर दो और O कितना कर दो, 8 कर दो। अब इसमें से वाटर निकाल दोगे तो H कितने रह जाएंगे अपने पास, 4 रह जाएंगे, फॉस्फोरस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑक्सीजन कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा H4P2O7। तो ये अपना क्या था, फॉस्फोरिक एसिड था, है ना, फॉस्फोरिक एसिड था और ये क्या बन चुका है, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड उसका बन चुका है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं किसकी, ऑर्थो, तीसरे नंबर पे बात करने वाले हैं ऑर्थो एसिड की बात करने वाले हैं, तो इसका भी वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये आपके पास है H3PO4 और इसको हम बोलते हैं क्या, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। अब आप बना के दिखाओ कि इसका ऑर्थो एसिड कैसे बनेगा, तो सिंपल सी ट्रिक है, देखो ऑर्थो स्टार्ट हो रहा है ओ से, ओ यानी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, ऑर्थो का कुछ भी मतलब नहीं होता है, जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं, जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं, यानी ऑर्थो का कुछ भी मतलब नहीं होता है, कुछ भी मतलब नहीं होता है, मतलब अगर आप इसका ऑर्थो एसिड बनाओगे तो कुछ भी मतलब नहीं होता है, मतलब वो सेम टू सेम बनेगा, वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा, जैसा फॉस्फोरिक एसिड होता है वैसा ही ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड होगा, कोई भी बदलाव कोई भी चेंज नहीं आता है, पानी का कोई लेना देना आपको नहीं करना है, जीरो यानी कोई भी मतलब इसका नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये एक कंफ्यूजन होगी अपनी नाम वाली, मेटा पाइरो, और ये अपनी ऑर्थो वाली होगी। अब बात करते हैं दूसरी कंफ्यूजन की, दूसरी कंफ्यूजन की बात करते हैं। देखो मान लो ये अपने पास है क्या, HClO या HOCl कुछ भी लिख दो, ठीक है, ये HClO और ये है HClO2 है और ये है HClO3 है और ये क्या है, HClO4 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्लोरीन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट देखें क्लोरीन की, तो कितनी बन जाएगी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +1 बन जाएगी, इसमें +3 बन जाएगी, इसमें +5 बन जाएगी और इसमें +7 बन जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस डायरेक्शन में क्या है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब यहां नेमिंग कुछ सीख लो, आप नेमिंग कुछ सीख लो, देखो एक होता है हाइपोअस, एक होता है हाइपो अस, ठीक है, तो उसके बाद कौन सा आता है, अस, ठीक है, एक हाइपो अस एसिड, उसके बाद आता है अस एसिड, उसके बाद क्या आता है, इक एसिड, उसके बाद आता है इक एसिड, उसके बाद आता है पर इक एसिड, उसके बाद आता है पर एक एसिड, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल सी है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब इसकी सबसे कम होगी, फिर उससे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, है ना। तो सेम इसी तरीके से देखो इसकी नेमिंग करनी हो तो ये सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट का है, तो ये हो जाएगा अपना हाइपोक्लोरस, है ना, अस है ना, हाइपोस है यानी हाइपोक्लोरस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, खाली क्लोरस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, खाली क्लोरिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक हो जाएगा, पर क्लोरिक हो जाएगा, ना। इसी तरीके से किसी की भी नेमिंग कर सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, बस ऐसे बढ़ती जा रही है कि हाइपो अस की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा अस की, फिर एक की उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा है पर एक की, ठीक है। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, एक, और ये क्या हो गया, अपर क्लोरिक हो गया, सिंपल सी बातें हैं।